फिर स्टार्ट कर रही हूँ न्यू व्लॉग। कैसे आप सब? और बस आज जा रहे हैं शॉपिंग के लिए, स्टार्ट कर रहे हैं हमने हमारा उमरा का जो शॉपिंग। शौर जी, मैंने आपको बोली थी ना ब्लू या फिर ब्लू और मरून आप भेजेंगे तो वो मरून ही बोलेगी। अभी ब्लू ज्यादा अच्छा लग रहा था तो फिर अपन क्या कर सकते हैं। मरून नहीं लिए हमने, ब्लू लिए, ब्लू लिए, कल आने के बाद देख लेना। वाओ नाइस। हाँ तो क्या बोल रही हो तुम? मरून नहीं लिया है? ठीक है, मैं लेके रहूंगी। ब्लू तो क्या फर्क पड़ता है? अब देखो नाना क्या बोल रहे हैं। ब्लू रहा तो क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है? क्यों क्या फर्क पड़ता? अच्छा फ्रेश, ओ ब्लू ज्यादा फ्रेश लग रहा था ना मेरे को, ब्लू नहीं पसंद। और अब्बू भी बोल रहे ब्लू ही लो। अच्छा ठीक है ना, मैं मेरे लिए लूंगी। इतना महंगा लिए हुए हमने वो बैग, मैंने बोली थी मरून लो। दिल पे पत्थर रख के पूछो, ओ दिल पे पत्थर रख के लिए ना हमने। देखो अगर मैंने बोली कि मरून लो तो फिर पूछने का नहीं था ना, अगर ब्लू लेने का था तो। मैंने तुम्हारे अब्बू को बोली फोटो मत भेजो। फोटो किसने भेजा? तुमने फोटो भेजे मेरे को। तो अब्बू बोले तो मेरे फोन में से क्लियर वो कलर दिख रहा था ना, इसलिए आईफोन से लिए ना, इसलिए फोन। मरून ओवर ब्लू, अगर तुमने ब्लू लिए तो मैं मरून लूंगी। ठीक है टॉपिक ओवर। तो आज का जो डिनर है वो आया है नुगेर केटरिंग की तरफ से, जो कि खुद सबिया जी ने लेकर आए हैं। और उनकी स्पेशलिटी क्या है, जो भी है डिटेल्स वो आपको बताएंगे। पहले हम ये जो यम्मी सा खाना, मुझे तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, इसमें क्या है पहले ओपन करके देखते हैं। इन्होंने देखिए कितने अच्छे से प्रेजेंटेशन करके पहले ही रखा है। और ये तो कचुम्बर है, और ये चटनी है, ये शायद टमाटर की चटनी है, और ये मेयोनीज है ना, और सैलेड। और ये इसमें क्या है मैं ओपन करके दिखाती हूँ। और ये जो है इनका कार्ड है, आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हो। तो ये यमी सा जो प्लेटर है स्टार्टर का, कितना यमी और कितना प्रेजेंटेबल लग रहा है आप देख सकते हो, और हमें इसके बारे में बताएंगे सब क्या। तो बताइए आपका स्पेशलिटी क्या है और आप क्या क्या प्रोवाइड वाला जो बहुत ज्यादा चलता है, ये हम खुद बनाते हैं नान और इसकी फिलिंग पूरा ये चीज। okay. और ये पूरा फ्रोजन भी होता है और रेडी भी हम देते हैं। okay. रमजान में भी बहुत चलता है इसका। okay. और अपनी क्वालिटी माशाल्लाह, पूरी ओरिजिनल मसाले और राइस, इंदौर के राइस हम चावल बहुत अच्छे वाले यूज करते हैं। okay. और 6 साल से हमारा चलता है, बहुत माशाल्लाह फीडबैक बहुत तो अच्छा। आप शादियों का और हम तेजी से स्टार्ट किए थे, लेकिन अब हम 1500 लोगों का कर रहे हैं, पूरी टीम है अपनी पूरा। और रशियन कटलेट में चीजी और तीखा है सीख कबाब, 2 बार हमको अवार्ड मिल चुका है। अवार्ड भी मिला है, क्या बात है। तो एमएलएस की तरफ से एक मिला है, पुना लेडीज ग्रुप की तरफ से। तो अगर किसी को ऐसा थोड़ा कम क्वांटिटी में खाना ऑर्डर करना है तो आप वो भी ऑर्डर, वो भी करते हैं। 1 kg से है लेकिन 1 पर्सन के हिसाब से करना है तो फ्राइडे और संडे के दिन हमारा कॉम्बो पैक होता है, पूरा स्टार्टर फ्राइडे एंड कोर्स संडे। फ्राइडे एंड संडे इनका कॉम्बो पैक होता है। अगर आपको ऑर्डर करना है तो सारी चीजें डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, और आपको टेस्ट करके भी टेंशन है, देख के ही दिल खुश हो गया। तो अब जो है अब चलते हैं बिरयानी की तरफ। तंदूर बिरयानी कल भी हम मार्केट पुलिस स्टेशन में दे थे ना, बहुत अच्छा फीडबैक आया। अच्छा
बहुत यम्मी लग रही है और मेरे मतलब की लग रही है, ज्यादा स्पाइसी नहीं है ना? नहीं नहीं नॉर्मल एकदम अच्छे। हाँ ये डेजर्ट है दुधिये का हलवा जो शौर जी का फेवरेट है और नुगेर कैटरिंग से है, हम घर से करते हैं, होममेड है, पूरा हाइजीनिक है और सफाई के साथ में हर चीज़ क्लीनिंग और हाइजीनिक होती है। पेशेंट्स का भी खाना हम वहाँ तक पहुँचाते हैं, कोरोना में हमने सब किए हुए हैं। और अपना ये बिरयानी दालचा बहुत फेमस है और सीख कबाब बिरयानी को हमारे 2 टाइम अवार्ड मिल चुका है, एक बार MNS की तरफ से और एक पूना लेडीज़ ग्रुप के साइड से। तो अपने हर चीज़ ओरिजिनल होगी, ओरिजिनल मसाले, अजीनोमोटो चाइनीज़ में नहीं होता और बिरयानी में सोडा नहीं होता, तो हर चीज़ हम अच्छे घर बुती क्वांटिटी बहुत अच्छी होती है और क्वालिटी हम मेंटेन किए हुए हैं, टेस्ट हर चीज को हमने मेंटेन किए हुए हैं। माशाल्लाह हमारे ऑर्डर्स 1 kg से स्टार्ट किए थे तो हम ज्यादा शादियों तक कर रहे हैं, पूरी टीम हमारी है और बहुत अच्छे से कर रहे हैं। तो आप ऑर्डर करके एक टाइम देख लीजिए, हमारा कॉम्बो पैक भी होता है फ्राइडे और संडे, तो उसके अंदर स्टार्टर मेन कोर्स आता है, 300 से स्टार्ट रहता है कॉम्बो पैक और फिश वाला भी कॉम्बो पैक होता है। और ऑर्डर कैसे करना है वो भी आप बता दीजिए। जी जी, ऑर्डर आप कॉल करके कर सकते हैं और अगर आप दूर रहते हैं तो डंजो वाला भी आ जाता है हमारा और बहुत जल्द हम स्विगी पर भी अपना स्टार्ट हो जाएगा और आप एक बार ऑर्डर करके देख लीजिए अपना। मैं तो अभी बताऊंगी, वैसे तो खुशबू से बहुत यम्मी लग रहा है और प्रेजेंटेशन माशाल्लाह बहुत अच्छा है, मेहनत लग रही है, मेहनत बहुत मेहनत से बनाया है और प्यार से खाना बन जाएगा ना तो वो टेस्ट अपने आप अच्छा। फीडबैक का बहुत वेट रहता है सबसे ज्यादा तो मैं अभी थोड़ा बहुत टेस्ट करके सबको बताऊंगी। ये वाला मैं टेस्ट कर रही हूँ, चिकन तंदूरी चिकन नान, राइट? इसके लिए हमने हम लोग एक्चुअली बर्गर वर्गर कुछ खाते नहीं हैं। अच्छा, तो ये तो बहुत अच्छा है। अच्छा, नान भी फ्रेश हाँ, है और ये ऐसा शोरमा का भी फ्लेवर दे रहा है, बहुत अच्छा है। अब रशियन कटलेट टेस्ट करते हैं। मैं अकेली खा रही हूँ, तुम लोग भी लो पकड़ो खाओ थोड़ा सा। नहीं, वो खाना बना बना के थक चुके हैं, है ना? सही। तो ये क्या है? चीजी रोल, वेज चीजी रोल, वेज चीजी रोल। ये चिकन में भी आते हैं, वेज चीजी में रमजान में ना बहुत चलते हैं और सब लोग क्या करते हैं 1 kg सब लेते हैं और फ्रीजर। रमजान भी बहुत जल्द आने वाले हैं, इनका नंबर आप सेव करके अपने कॉन्टेक्ट में रख दीजिए। थोड़ा थोड़ा निकाल के इफ्तारी के टाइम पर फ्राई करते हैं ना, बहुत सहूलत हो जाती है, बहुत आसानी, बहुत अच्छा है, बहुत चलता है। सीख कबाब, ये कौन सा? चिकन सीख कबाब। चिकन सीख कबाब। ईद के दिन तो हमने 19 से 20 ऑर्डर किए थे और 8-9 ऑर्डर मैंने कैंसिल करवा दी थी ताकि एक डेट थी वो दे थे हम 19 ऑर्डर किए थे। माशाल्लाह बहुत अच्छा फीडबैक आ रहा है पूरा, बहुत टेस्ट, ये बहुत अच्छा लगा मुझे, बहुत चलता है। इसके अंदर वेज आता है, अलग अलग फ्लेवर का होता है, सीख वाला आता है, पनीर वाला ये आता है और ये चिकन, जरूर ट्राई करना वेज चीज़ी रोटी। अभी बिरयानी टेस्ट करती हूँ, अभी बस टेस्ट करके आप लोगों को बता रही हूँ लेकिन मैं आराम से सुकून से बैठ के खाऊंगी और मजे से खाऊंगी। ऐसा लग रहा है मैं मास्टर शेफ हूँ। नहीं, जब मास्टर शेफ के जज जो जज कर रहे हैं वैसे। बिरयानी ऐसे लग रही है घर की बिरयानी, सच बोल रही हूँ, बहुत अच्छी है, बहुत टेस्टी है। आप लोग कम क्वांटिटी मंगा कर एक बार ट्राई करके देख सकते हो, बट जेन्युइन रिव्यू दे रही हूँ, आई हाईली रिकमेंड नुगेर केटरिंग, बहुत अच्छा बनाया, बहुत अच्छा। और ये लग रहा है कि अपने हाथ से और इतने प्यार से दिल से बनाया है। इंस्टाग्राम पेज, यूट्यूब चैनल का सब लिंक और इनका कॉन्टैक्ट नंबर सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ,
एक बार जरूर ट्राई कीजिए, मुझे तो बहुत यम्मी लगा ये खाना, सच में जेन्युइन रिव्यू है और मेहनत दिख रही है, दिल से प्यार से बनाया हुआ खाना लग रहा है, तो आप लोग जरूर एक बार टेस्ट कीजिए। और कुछ बोलना चाहते हैं आप? बहुत बहुत जजाक अल्लाह खैर, इतना प्यारा और इतना अच्छा खाना खिलाने के लिए, थैंक यू सो मच। क्या है? ओके ये है अनु का रिजल्ट, अनु को मिला है ए प्लस, है ना शनी? सब लोग देखिए कितना जुल्म है इन पे, कितना जुल्म होते रहता है, बाप रे इनको सोने के लिए जगह ही नहीं है, ये इसलिए बैठे बैठे सो जाते हैं। देख लिया आपने सामने आपके कितना जुल्म होता है इन पे। लो क्या बात है जोजो। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे आप सब? तो यही चल रहा है व्लॉग, बहुत देर के बाद मैं अपलोड कर रही हूँ, ये पूरे वीक का मैं आपको व्लॉग दे रही हूँ, बिकॉज़ आपको पता है बहुत कम टाइम बचा है मेरा उमरा जाने का, और मैं जा रही हूँ हैदराबाद भी, इंशाल्लाह मैं हैदराबाद 8, 9, 10 तारीख तक हैदराबाद में रहूँगी, बिकॉज मुझे एज अ गेस्ट ऑफ ऑनर तेलंगाना ब्लॉगर्स का एक आइकॉन अवार्ड्स है, उसके लिए इनवाइट किया गया है, तो मैं इंशाल्लाह हैदराबाद के लोग, मुझे पता है मेरी यूट्यूब फैमिली ही थोड़े बहुत लोग हैदराबाद के भी है, तो वो लोग मुझसे मिलना चाहेंगे, मैं भी उन लोगों से मिलने के लिए बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रही हूँ, तो अगर आपको मिलना है जो भी है मेरे स्टोरीज़ आप लोग चेक कर लीजिए, टाइमिंग वगैरह सब मैं स्टोरीज़ पर अपलोड करूँगी इंस्टाग्राम पर। तो ये है चिटुकली, कब से कर रही है सलाम करो सबको, तो चिटुकली के लिए ठंडी आ चुकी है ना। और जोया भी आई है, जोया को मैंने अभी यहीं पर बिठाया है क्योंकि हमने उसको 2 दिन पहले उसके साथ मतलब उसको बोला था कि हमने बैग लिए है सूटकेस जो कि है ब्लू कलर में, तो फाइनली बेबी सूटकेस आ गया है ब्लू कलर में। तो ब्लू कलर में आ गया है बैग, नाइस। देखे मेरा कितना अच्छा बच्चा है, माँ के खुशी में भी खुश हो जाता है। चलेगा ना ब्लू? हाँ क्या ही कर सकते, इधर आ जाओ, इधर आओ, इधर आओ, मेरे को ऐसे हाँ कैमरा लेना पड़ रहा है। हाँ देखा मैंने बोला ना तुम अभी यूज कर लो ब्लू, ठीक है मैं तुमको कल लेके जाऊंगी और मरून वाला लेके आऊंगी। ये गई थी अपने फ्रेंड के बर्थडे पे, तब तक वो सूटकेस आ चुका है और इसको मैं लाकर दिखाती हूँ, ठीक है ब्लू कलर, इसलिए मैंने देखो ब्लू ब्लू ड्रेस पहना है, मैचिंग मैचिंग, और तुम भी मस्त लग रही हो, प्यारी प्यारी सी मेरी प्यारी सी सोनी की टुकड़ी। ये क्या था? ये क्या था? चटाया तो मेरे बच्ची का टैन हो गया पूरा फेस क्योंकि इन लोगों का स्पोर्ट्स डे था, और इसने तो ठान लिए मेरी बात नहीं सुनने की, सनस्क्रीन भी नहीं लगा कर गई, और ये देखो मेरी सब बात सुनती है ये चिटुकली। चलो मैं अभी बैग लेके आती हूँ शॉर्ट जी, ठीक है ब्लू कलर का बैग देखने के लिए तैयार हो तुम? यस। चलो आप लोगों को भी दिखाती हूँ मैंने कैसा सूटकेस पसंद किए, वैसे मेरा बहुत दिन से शौर जी के पास चल रहा था, वैसे बहुत लोग मुझे बोल रहे थे कि हमारे पास है सूटकेस हमारे पास बैग है, बट मुझे ऐसा वाला बैग बहुत दिन से लेने का चल रहा था, तो फाइनली मैंने ले लिया, और जोया को मैंने फोटो भेजा था क्योंकि शौर जी
मैंने शौर्जी को बोला था कि जोया को मत फोटो भेजो, उसको मरून ही पसंद आएगा क्योंकि उसका फेवरेट कलर मरून है, तो वो मरून ही पसंद करेगी। तो एंड ब्लैक, तो एज यूजुअल उसने मरून ही बोला, लेकिन मरून का स्टॉक नहीं था, मरून का स्टॉक नहीं था, तो हमने ब्लू ले लिया। ठीक है चलो अभी सबको भी दिखाते हैं और तुमको भी दिखाते हैं। ब्लू कलर देखने के लिए तुमको इतनी एक्साइटमेंट हो रही है? मैं सरप्राइज दिखा रहा हूं ठीक हां। अच्छा अनु सरप्राइज दिखा रही है आपको, ले लो चलो। क्या बोले सच्ची में ब्लू? हां सच्ची में ब्लू। सॉरी बेबी नेक्स्ट टाइम, ठीक है नेक्स्ट टाइम छोटा मत करो। कल कुछ नहीं, कल मरून मिल रहा है मेरे को। गाइस आई एम गेटिंग मरून टुमारो। क्यों इतने सूटकेस क्या करेंगे? मुझे चाहिए। अनु हटो चलो, आप चाहिए बोले तो अभी ये लिए उसका क्या करेंगे? चल दो तो ब्लू, तो एटलीस्ट अभी थोड़ा उसको पेंट करती मैंने तो। हाँ पेंट करते सब कपड़े खराब होने के। तुमको इतना क्यों मरून चाहिए मेरे को बताओ? क्योंकि मेरे को मरून अच्छा लगता है, वो तो अलग उसका एस्थेटिक होता है। हाँ नो ऑफेंस टू दोस पीपल हु लव ब्लू। तुमको ये ब्लू देख के भी बहुत खुशी होगी। ठीक है वन टू थ्री मुझे राहुल ने बोल दिए थे। मम्मी तुमने बताया ना प्रैंक, कितना मैंने प्रैंक प्लान किया था सब फेल हो गया। सी स्मार्ट आई एम। तो नानी को कैसे मालूम उसकी? मम्मी को मैं हर बात बता देती हूँ ना मम्मी को, इसलिए तो जैसे मैं तुमको बताऊंगी नहीं, मैं कुछ नहीं बताऊंगी देख लो। तो ये नाम तो ना मेरा छोटा वाला, छोटा सबसे छोटा इसका है, फिर तुम्हारा है, फिर ये छोटा किधर है? इसके अंदर तो खोला ना, तीनों इसके अंदर है। तो ये वाला हमने फाइनली ले लिया है। देखो कितना अच्छा लग रहा है मरून। सी इट लुक्स सो एलिगेंट है, बट हमको थोड़ा कंफ्यूजन था इसलिए हमने तुमको पूछे थे। बट मैंने अब को बोले थे कि उसको मरून ही पसंद आएगा। यस मरून ही ले। क्यों मार रहे तू? हटो मैं खोलती हूँ अभी। ये बैग आ गया है अभी हमको फटाफट। देखो सबसे बड़ा वाला मम्मा अब्बू का, इससे छोटा वाला मेरा और उससे सबसे छोटा अनु का। इसलिए ये तीन बैग दैट्स इट, इतना ही हम लेकर जाएंगे, ज्यादा कुछ नहीं लेंगे। ये देखो इसको तुमको कौन सा चाहिए था? मरून ना, इसको भी मरून। प्रैंक तो हो चुका है फेल, मैंने सोचा चलो जोया को प्रैंक करेंगे, बट नानी मुझे कोई प्रैंक नहीं कर सकता। अच्छा बेटा पक्का चैलेंजिंग यू, चैलेंज दे रही हूँ मुझे, चैलेंज दे रही। इंशाल्लाह उम्रा के आने के बाद मैं इस पे जरूर प्लान करूंगी। देख लो तो ये रहा हमारा शॉपिंग था हमारा, अभी यही हो गया है, अभी और भी चीजें हैं, लेकिन ये बहुत इम्पोर्टेंट था क्योंकि हमने मतलब बहुत सालों के बाद ना, इनफैक्ट 8-10 सालों के बाद हम लोग कहीं बाहर ट्रैवल कर रहे हैं, तो हमने कुछ लिया ही नहीं था। तो शौर्जी को मैंने बोला कि बैग बहुत जरूरी है और ऐसा वाला बैग बहुत जरूरी है। ये कोई शो ऑफ नहीं है, बट वो एक होता है ना कि मुझे चाहिए था अच्छा वाला बैग ताकि अनाया की चीज़ें अलग रहे, सोया की चीज़ें अलग रहे, मेरी चीज़ें अलग रहे, और हम लोगों को वहाँ पर जाकर टाइम कम से कम लगे, तो जल्दी जल्दी चीज़ें मिलेगी, जल्दी जल्दी तैयार होंगे और जल्दी जल्दी हम अरकान के लिए जाएंगे। तो ये है, तो और मैं हैदराबाद भी जा रही हूँ, तो ये छोटा सा बैग नहीं, तो मुंबेरा ने भी शौर जी का जो गिफ्ट दी है वो भी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, उनके बर्थडे गिफ्ट क्या दी है। और ये जो है ये मुंबेरा ने शौर जी को बर्थडे गिफ्ट दिया था, बहुत ही प्यारा है, थैंक यू सो मच, बहुत ही अच्छा है ये सूटकेस। तो हैदराबाद ये लेकर जाएंगे शौर जी, बस हो जाएगा, हम दोनों ही जा रहे हैं तो ये लेकर जाएंगे। ठीक है बहुत ही अच्छा है, बहुत ही प्यारा है। कुछ बोलो मुंबेरा के लिए, गिफ्ट कैसा लगा आपको? अच्छा लगा गिफ्ट, बोलो तो मेरे लिए भी सरप्राइज हो गया, बोलो तो। ये तो ये हमने लिए और ये मुमताना ने शौर जी को गिफ्ट दिया एज अ बर्थडे गिफ्ट। तो हमारे पास अभी खूब सारे बैग हो गए हैं, अभी शौर जी हमको घुमाएंगे, है ना शौर जी, है ना सोया? यस यस अभी देखो। तो ऐसा है क्या, सिर्फ सूटकेस आने से घूमना फिरना होता है करके? हां घुमाना पड़ेगा अभी आपको, है ना? मेरे बर्थडे की तो ये था अभी, तो यही शॉपिंग हो गई अभी। आप लोग भी सजेस्ट करो कि वहाँ पर क्या जरूरी है क्या नहीं, अगर आप लोग जाकर आए हैं तो क्या इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमारा फर्स्ट टाइम है, हम लोगों को कोई
ज्यादा पता नहीं, वैसे तो मम्मी अब्बा उन लोग सब गए थे उमरा हज से जाके आए हैं, उन लोगों ने बताया, फिर भी आप लोग हमको बताओ कि वहाँ पे क्या ज्यादा जरूरी चीज है, तो वो हम लेके जाएंगे क्योंकि हमारी बच्ची हमारे साथ जा रही है, तो जरूर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टोरेज फुल हो गया इसलिए आगे कंटिन्यू नहीं कर पाई। स्टे ब्लेस्ड एवरीवन। अल्लाह हाफिज़।